हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं मेंटल मैथ्स ऑफ योर चैप्टर 8। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8, और अपनी जो एक्सरसाइज 8A to 8E अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए, आखिर मेंटल मैथ्स होता क्या है? मेंटल मैथ्स का मतलब वो क्वेश्चन जो आप मेंटली सोल्व कर सकें, जो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपने थ्रू आउट द एक्सरसाइज सीखा है उसको आप यहाँ पर सोल्व करना सीखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फाइंड द 10% ऑफ 70। 10% का मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 70। 20 से ये 20 कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 7। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज द नंबर हुज 7% इज वाई। तो मैं क्या मानता हूँ, लेट द नंबर इज y, ठीक है। तो यहां पर 7% ऑफ y इज इक्वल टू 28। तो 7% का मतलब 7/100 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 28। तो यहां से देखिए, राइट हैंड साइड में जाके वो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 28 × 100 डिवाइड बाय 7। 7 × 7, 7×4 = 28, एंड द y इज 400। तो वो नंबर आपका क्या है, 400 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कन्वर्ट 35% इंटू सिंपल फ्रैक्शन। तो परसेंट का मतलब, तो 35% परसेंट का मतलब आपको पता है डिवाइड बाय 100। तो 35 डिवाइड बाय 100, 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 × 7 = 35 एंड 5 × 2 = 10 = 20। तो ये आपके पास क्या हो गया, 7/20। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, राइट 2/5 एज अ परसेंट। तो एज अ परसेंट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो डिवाइड में जो 100 होता है उसका मतलब क्या होता है, परसेंट। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आपका क्या हो गया, परसेंट। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 × 20, तो 2 × 20 ये हो गया आपके पास 40%। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कन्वर्ट 9% इंटू अ डेसिमल। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप 9% को क्या लिखेंगे, 9/100। तो यहाँ पर देखिए, आपका है 0, डिवाइड में कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो आपका डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट साइड में 2 टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए, 1 तो यहाँ पर है और आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0। तो 0.09 इज योर आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 8। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको लिखना है 8 डिवाइड बाय जिसका परसेंट पूछा है 50 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50 × 50, 50 × 2 = 100, 8 × 2 = 16% इज योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतने इजीली और क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप मेंटली सोल्व कर रहे हैं। तो मैं भी मेंटली कर सकता हूं, लेकिन आपको यहां पर लिख के दिखाना जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, ठीक है। तो समीर सेव 50% ऑफ मंथली इनकम ऑफ 10,000, हाउ मच ही सेव्स, ठीक है। तो यहां पर अगर अपने बात करें, सेविंग इज इक्वल टू 15% ऑफ 10,000। परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, तो 15/100 इज 10,000। ये 20 से 20 कैंसिल, 15 × 100 ये आपके पास हो गया ₹1,500। तो ये इसकी सेविंग है और यही आपका आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, अ बुक वॉज बॉट फॉर ₹60 एंड सोल्ड फॉर ₹50। तो यहां पर अपने बात करें कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, ये आपके पास है ₹60। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, ये आपके पास है ₹50। तो जिस केस के अंदर आपका कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है, उस केस के अंदर आपको हमेशा क्या होता है, लॉस। एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका 60, सेलिंग प्राइस आपका 50 एंड ₹10 इज योर आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, सुरेश बोट आर्टिकल फॉर ₹800 एंड सोल्ड फॉर 1,000। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस की बात करें, ये आपके पास है 800,
सेलिंग प्राइस की बात करें, ये आपके पास है 1000। आपसे पूछा है गेन परसेंटेज, तो गेन की बात करें तो गेन क्या होता है, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और गेन किस कंडीशन में होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आपके पास 1000, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 800, तो ये आपके पास हो गया ₹200। तो क्या ये आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो गेन है आपके पास 200, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 800 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से देखिए ये 20 से 20 कैंसिल, ठीक है, और फाइनली आपके पास बचा गया यहाँ पे 2 1 2, 2 4 8 एंड 100 बाय 4। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 25%, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस जो कि आपके पास ₹2200, गेन आपको गिवन है। तो जब भी आपको गेन और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस्ट प्राइस का, जो कि क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट या फिर गेन, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 2200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट क्या है आपके पास, 10। तो यहाँ से देखिए 2200 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 प्लस 10 110, ये 10 से 10 कैंसिल, 11 बन जाए 11, 11 टू जाए 22 एंड 0। तो फाइनली आपके पास क्या आया, 20 × 100 जो कि आपके पास ₹2000, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, मेंटल मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आपको इजी ही मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर मेंटली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, टॉफीज आर बोट फॉर रेट 5 for ₹, ठीक है, 1 रुपये की कितनी आ रही है 5, एंड सोल्ड फॉर 4 for ₹1, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो सिंपली मैं क्या मानता हूँ, देखिए हमें ऐसे के क्वेश्चन में आपको लेना एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 20, तो 20 आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टॉफीज इज इक्वल टू 20/5, इट मीन्स ₹4, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉफीज इज 20/4, इट मीन्स ₹5। तो यहाँ पर देखिए योर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, गेन, एंड गेन कितना हो रहा है, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपका होता है ₹5, कॉस्ट प्राइस होता है 4, तो गेन हो गया आपके पास ₹1। तो गेन ये हो गया, और गेन परसेंटेज की बात करें तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू, देखिए गेन परसेंटेज क्या हो जाता है, इज इक्वल टू गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो गेन है आपका 1, कॉस्ट प्राइस है आपका 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, 4 × 4 और ये गया आपके पास 25 times, तो 25% इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी करने हैं जहाँ पर आपको गिवन है कि कोई टॉफीज है 5 rupees की 1 आ रही हैं या 1 rupees की 5 आ रही हैं, तो वहाँ पर आपको एलसीएम ले लेना और डिवाइड कर देना है, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर 5 आ रही हैं 1 rupees की, तो 1 कितने की आएगी, 1/5, 1/4, फिर एलसीएम लेके माइनस करेंगे, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये आपका जो मेंटल मैथ्स है उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन द मार्क प्राइस इज दिस एंड सेलिंग प्राइस इज दिस। तो डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आपके पास है 400 माइनस 360, तो डिस्काउंट आपके पास आ गया ₹40। तो ये आंसर है, नहीं। आपसे पूछा गया, देखिए आपको क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे पूछा गया, आपसे डिस्काउंट नहीं डिस्काउंट परसेंटेज पूछी है, जो कि क्या होती है, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100।
तो डिस्काउंट आपके पास है 40, मार्क प्राइस है आपके पास 400 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये 20 से 20 कैंसिल, 41 जा 4, 410 जा 40 एंड द डिस्काउंट परसेंटेज जिसे आप लिख सकते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट, ये आपके पास क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर आंसर। तो इसी के स्टूडेंट्स आपकी जो है मेंटल मैथ्स फॉर चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी ही अपने मिलेंगे जिसके अंदर अपने करेंगे चैप्टर असेसमेंट फॉर आपका चैप्टर 8। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।